अगर आप अभी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं और आपका सपना है कि आप आगे जाके CA यानी चार्टर अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, लेकिन आपको नहीं पता इसके लिए क्या प्रोसेस है और किस तरह की पढ़ाई करनी चाहिए और कौन से एंट्रेंस एग्ज़ाम को पास करना होता है और कितनी फ़ीस होती है और चार्टर अकाउंटेंट बनकर हम कितनी सैलरी प्राप्त कर सकते हैं, तो आज हम इस वीडियो में आपके लिए CA बनने की जानकारी देंगे कि CA क्या होता है और CA कोर्स की पूरी जानकारी। इंडिया में CA बनना इतना आसान नहीं है जितना लगता है, लेकिन अगर आप मन लगाकर मेहनत करेंगे तो आपको CA बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब हम जानते हैं कि CA का काम क्या होता है। CA एक कोर्स होता है जिसमें आपको हिसाब किताब के बारे में सिखाया जाता है। CA का काम लोगों को फाइनेंशियल गाइड एडवाइस देना, बिजनेस अकाउंटेंट, टैक्स ETC के बारे में पढ़ाया जाता है, जिससे आप बैंकिंग, टैक्स और अकाउंटेंट की जॉब इजीली कर सकते हैं। और CA का कोर्स 4.5 साल का होता है जिसमें आपको 3 एंट्रेंस एग्ज़ाम देने होते हैं। अगर आप CA बनना चाहते हैं तो आप 12th के बाद अप्लाई कर सकते हैं। पहले आपको ICAI यानी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, आपको इसमें रजिस्टर करना होगा। यह CA एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करता है। CA के कोर्स 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, CPT कॉमन प्रोफेंसी टेस्ट, IPCC इंटीग्रेटेड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस कोर्स एंड CA फाइनल कोर्स। तो पहले हम CPT के बारे में बात करते हैं। यह कोर्स एंट्री लेवल पर होता है। पहले आपको CPT एग्ज़ाम के लिए रजिस्टर करना होगा और 12th के बाद इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं, जिसमें आपसे अकाउंटिंग, मर्केंटाइल लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें आपको 50% के साथ एंट्रेंस एग्ज़ाम को कंप्लीट करना होगा। अब हम बात करते हैं CPT एग्ज़ाम में कौन कौन से पेपर होते हैं। इससे बहुत से पेपर होते हैं, जैसे फर्स्ट पेपर ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग, सेकेंड पेपर क्वान्टिटिव एप्टीट्यूड, थर्ड पेपर का ए पार्ट मर्केंटाइल लॉ, बी पार्ट जनरल इकोनॉमिक, फोर्थ जनरल इंग्लिश, डी पार्ट बिजनेस कम्युनिकेशन। इसका टेस्ट 4 घंटे का होता है जिसमें 2 सेशन होते हैं, जिसमें एक सेशन 2 घंटे का होता है जिसमें आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं और नेगेटिव मार्किंग भी होती है। इसका एग्ज़ाम साल में 2 बार होता है, जून और दिसंबर। सेकेंड आता है IPCC, यह आपका फर्स्ट स्टेज होता है थ्योरेटिकल एजुकेशन का, जिसमें आपका मेन फोकस थ्योरेटिकल नॉलेज पर होता है जो आप CPT कंप्लीट करने के बाद कर सकते हैं। इसमें आपके 2 अलग अलग एग्ज़ाम होते हैं, ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकंड। ग्रुप फर्स्ट में पेपर होते हैं अकाउंटिंग, बिजनेस लॉ, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड टैक्सेशन। ग्रुप सेकंड में होते हैं एडवांस्ड अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। इसको पास करने के लिए आपकी हर सब्जेक्ट में 40% होनी चाहिए। इसमें 35 आवर्स का ओरिएंटेड प्रोग्राम और 100 आवर्स का IIT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग भी दी जाती है, जिसमें आप कंप्यूटर नॉलेज, MS ऑफिस प्रोग्राम, ICAI, CA सॉफ्टवेयर, वेब टेक्नोलॉजी, अकाउंटिंग जैसी चीज़ सिखाई जाती है। IPCC के एग्ज़ाम भी साल में 2 बार होते हैं, मई एंड नवंबर। इन दोनों को क्वालिफाई करने के बाद आप फाइनल कोर्स कर सकते हैं। IPCC कंप्लीट करने के बाद 3 ईयर की ट्रेनिंग को आर्टिकलशिप कहते हैं। यह भी 2 ग्रुप में डिवाइड होता है। यह बहुत हार्ड एग्ज़ाम होता है क्योंकि यह फाइनल एग्ज़ाम होता है। इसके बाद आप CA कहलाए जाएंगे। इस ग्रुप में फर्स्ट पेपर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, स्ट्रेटजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एडवांस ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स, कॉरपोरेट एंड एलाइड लॉज। ग्रुप सेकंड में 5th पेपर होता है एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल, डायरेक्ट टैक्स लेवल्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स लेवल्स। जब आप इन सब एग्ज़ाम को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया में रजिस्टर करना होगा और आप CA बन जाएंगे और किसी भी कंपनी में चार्टर अकाउंटेंट की नौकरी कर सकते हैं और अच्छी खासी सैलरी पा सकते हैं। CA की जॉब आप प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर में कर सकते हैं। हम इसकी सैलरी की बात करते हैं। इसकी सैलरी आपके वर्क स्किल्स, कंपनी और आप किस शहर में नौकरी कर रहे हैं उस पर डिपेंड रहती है। नॉर्मली यह 50,000 से 2 लाख पर मंथ हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि यह कोर्स कौन सी स्ट्रीम का स्टूडेंट कर सकता है।
अगर आपने अपनी 12th क्लास किसी भी स्ट्रीम साइंस कॉमर्स आर्ट से पास की है तो आप CA बन सकते हैं। लेकिन आप अभी 10th क्लास कर रहे हैं और CA बनना चाहते हैं तो आपको कॉमर्स लेनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन कॉमर्स से रिलेटेड पूछे जाते हैं। अगर आप CA आर्ट्स और साइंस से करना चाहते हैं तो पहले आपको इसकी कोचिंग लेनी होगी। इसमें आपको कोई भी परसेंटेज नहीं चाहिए, बस आप 12th क्लास पास होने चाहिए। अब अगर हम इसकी फ़ीस की बात करें तो यह भी 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, CA फाउंडेशन, CA इंटरमीडिएट एंड CA फाइनल। CA फाउंडेशन एंट्री लेवल टेस्ट होता है जिसपे आपका रजिस्ट्रेशन 9000 का होता है, टोटल 10000 तक का खर्चा आता है। CA फाउंडेशन कंप्लीट करने के बाद CA इंटरमीडिएट में आते हैं जिसमें आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस 15000, एक्टिविटी फ़ीस 2000, रजिस्ट्रेशन फ़ीस ऑफ आर्टिकलशिप 1000, टोटल फ़ीस 18000 होती है। और CA फाइनल में आपकी लगभग 22000 तक का खर्चा आ जाता है और ICI आर्टिकलशिप ट्रेनिंग देता है 3 ईयर्स की, जिसकी फ़ीस 2000 होती है। यह सब इंफॉर्मेशन जो हमने आपको वीडियो में दी है ये टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। सही जानकारी के लिए आप ओरिजिनल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.icai.org.in पर। थैंक्स। अब आपको CA के बारे में फुल इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।